प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। गोरखपुर में पीएम मोदी का रोड शो, सड़कों पर भारी भीड़। गोरखपुर में गीता प्रेस की दो किताबों का पीएम मोदी ने किया विमोचन, बोला गीता प्रेस संतों की कर्मस्थली रहा है। गीता प्रेस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, नए भारत में आस्था और विकास एक साथ चलेगा। कांग्रेस ने 14 जुलाई को दिल्ली में महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक बुलाई। 6 जुलाई को पृथ्वी का सबसे गर्म दिन रहा। शराब नीति घोटाला में व्यापारी दिनेश अरोड़ा को ईडी की 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया, प्रहलाद जोशी को राजस्थान की कमान। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात। मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका हुई खारिज। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे राहुल गांधी, गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत। लखनऊ में लकी ड्रॉ के नाम पर ठगी कराने वाले 6 लोग हुए अरेस्ट। कोर्ट के समन का पालन करेंगे ब्रजभूषण सिंह, 18 जुलाई से पहले होंगे हाजिर। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले वीरभूम में 200 देसी बम हुए बरामद। मध्य प्रदेश में पहली बार 3 आईएएस के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, आदिवासियों की जमीन बेचने का है मामला। उद्धव ठाकरे को झटका, विधान परिषद की उपसभापति नीलम गौरे होंगी शिंदे की शिवसेना में शामिल। भारत में निर्मित शराब पर 20% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाएगी कर्नाटक सरकार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।